सेवा नहीं करता तब तक आप लोग ठीक नहीं होते। हम लोग उतना ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जाके उधर फिर हम लोग एडमिट हो जाएंगे। हर जगह सरकारी दवाखाना यहाँ पर लगा था इसलिए फूल गया था, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हवा लगेगी तो उससे दिक्कत होगी, इसलिए नहीं भेजा जा रहा है यहाँ से आपको। क्या भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नरेश कुमार मातो हूँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। हाँ, ये बताइए, औरैया में जो दिन हादसा हुआ है, आप लोग कहाँ से चले थे, कितने लोग चले थे? हम लोग तो राजस्थान से आ रहे थे। राजस्थान से हम लोग का जाना था भरतपुर का लास्ट सीमा, लेकिन हम लोगों को भरतपुर के पहले ही सीमा पर पुलिस ने रोक ली, कैंप वालों ने, पुलिस के कैंप वालों ने रोक ली कि बस नहीं आगे बढ़ने दिए, दूसरा राज्य का बस दूसरा राज्य में नहीं जाएगा, ये बोल के रोक ली। तो बस वाले का काम किया, उसको तो लफड़ा नहीं करना है, उसने हम लोगों को उतार दिया। वो तो हम लोगों को ले जाने चाह रहे थे फिर वहीं, लेकिन हम लोग कहा कि हम उधर और नहीं जाएंगे, हम लोग आगे ही जाएंगे। तो बोला तब उतर जाओ, अब उतर गए तो वहाँ के पुलिस वालों ने हम लोगों को वो LP ट्रक में चढ़ा दिया, UP वाले को UP वाले ट्रक में चढ़ा दिया, झारखंड वाले को भी बिहार वही जाने जो बिहार जो गाड़ी जाएगी उसी गाड़ी में चढ़ा दिए। 5-6 ट्रेलर में मतलब लोड कर दिए सबको, जितना आदमी थे। जिस ट्रॉली का जो हादसा हुआ है उसमें राजस्थान पुलिस ने आप लोग चढ़ाया था? हाँ, वो भरतपुर सीमा को, भरतपुर सीमा। हाँ हाँ, राजस्थान से तो लोगों ने बस में भेजा था। हाँ, वो बस में भेजा था, बस और जाने चाह रही थी, लेकिन भरतपुर के पुलिस ने नहीं आगे बढ़ने दिया। क्या कहा भरतपुर पुलिस ने? कि इधर नहीं जाएगा बस, मेरा इससे बात करना पड़ेगा कलेक्टर से। ट्रोले में भी उन्हीं ने चढ़ाया था? हाँ, ट्रोले में वो चढ़ाए थे भरतपुर के पुलिस वालों ने। उसी ट्रोले से हादसा हुआ? हाँ, उसी ट्रोले से हादसा हुआ। वो ट्रोले पटना जा रही थी, तो हम लोग सोचे बिहार में कहीं उतर जाएंगे, बिहार से जहाँ झारखंड सामने होगा उसी जगह में उतर जाएंगे, लेकिन कितने लोग बैठे थे ट्रोले में आप लोग? हम लोग ट्रोले में करीबन 50 आदमी पकड़े। 50 लोग? हाँ, 40-50 लोग। ट्रॉले में ना होते, अगर बस में होते तो ये हादसा नहीं, ये हादसा नहीं होती। अच्छा, पुलिस ने जो ट्रॉले में चढ़ाया तो पैसे वैसे भी नहीं लिए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं। आपका धनंजय कालिन जी? धनंजय, राजस्थान से आप लोग चले थे, कितने लोग चले थे और कब चले थे, कितने? करीब हम लोग जो झारखंड के थे करीब 45 से ऊपर था, 45-55 से ऊपर था, और बिहार कुछ बंगाल के मिला जुला था। और हम लोग मन में ठान लिए थे कि हम लोग को किसी तरह भगवान के द्वारा से घर पहुंच जाए तो अच्छा है, लेकिन राजस्थान में क्या काम करते थे? मार्बल का काम करते। फिर जब वहाँ चले हो, किससे चले थे? वहाँ से हम लोग पैदल आए, हम लोग को मन में ये कुछ अजीब सा हो गया, सब बंधु लोग जाने का तैयारी कर दिया कि घर जाएंगे। काम धाम तो पहले कुछ दिन बंद था, फिर काम चालू हुआ, काम चालू होने के बाद किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं लगा काम में, बोला कि चलो गांव जाएंगे, गांव के घूम के आएंगे फिर काम करेंगे, ऐसे में कौन जान रहा रास्ते में क्या हो जाएगा क्या नहीं। सब बंधु बांधे ख़त्म हो गए, बचे 2-4 आदमी, और क्या बोलेंगे। बस से बैठे थे, ट्रोले में आपको कैसे आ गए? ट्रोले में मामलों को उतार दिया गया बाद में। किसने उतार दिया? पुलिस वाले बोले कि जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, फिर सबको उतार दिया गया। फिर हम लोग पैदल कुछ देर तक आए, फिर ट्रक में हम लोग को बैठा दिया ट्रोले में। हाँ, बैठा था पुलिस वाले थे कुछ, पुलिस नहीं बैठा था। और उसी में हम लोग को उतना जानकारी थोड़ी है, हम लोग को कहीं भी कैसे भी हम लोग को भगवान के दुआ से कहीं घर चल जाए और बेस्ट था समझा, और क्या हो गया ना जाने, भगवान ही जाने। अब क्या बोलिए, ट्रॉले में अगर आप नहीं बोलते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता? हाँ, हादसा की बात नहीं, वो भाग्य का भी कुछ ये है, भाग्य का ही सब बोला जाएगा। लेकिन जो बस हम लोग लेके आ रही थी वो तो आगे जा रही थी, लेकिन ट्रॉले में बैठाने की गलती तो पुलिस की है ना। जो बस आप लोगों को लेके आ रही थी तो आगे लेके जाना था, लेकिन ट्रॉले में पुलिस ने जबरदस्ती बिठाया, गलती तो उनकी भी है। गलती देखिए, हम लोग का ही गलती है।